हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबीन। आज हम लेके जा रहे हैं आपको एक खास सफर पर, जहां हमारे सस्ते पब्लिक स्कूल निचोला भीमताल के बच्चे अपने टीचर्स के साथ जंगल जा रहे हैं। अरे अरे, डरने की बात नहीं, हम तो जा रहे हैं वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने, अपने जंगलों को, अपने पर्यावरण को और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी चीज दें जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, यानी शुद्ध हवा, ऑक्सीजन। तो हमारा मिशन था मिशन प्लांटेशन, और इस मिशन की कमांडेंट ऑफिसर थी हमारी श्रीमती पुष्पा सोयाल मैम। तो इन्होंने पहले ही बच्चों को कंस्ट्रक्शन दे रखे थे, चार्ट पेपर में कैसे नेचर के रिलेटेड जो है ड्राइग्राम बनानी है, पोस्टर्स बनाने हैं, तो बच्चे बना के लाए थे। तो कुछ बच्चे घर से कुटला और गोबर की खाद भी लाए थे, और हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर संजय सर थे जो बच्चों को देख रहे थे, बच्चे कैसे बस से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो इनकी देख रेख में भी ये काम चल रहा था। तो हम जो है बाई बस गए, तो और क्लास 8th के बच्चे थे इसमें, तो 40 के आसपास हमारे टोटल बच्चे थे। हरियाली से ही जीवन बनता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें केवल पेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो बस का स्टॉप था विनायक, वहाँ हमारी बस रुकी और वहाँ से बच्चे एक एक करके लाइन वाइज उतरने लगे। तो बच्चों के हाथ में, किसी के हाथ में कुटला, किसी के हाथ में गोबर, किसी के हाथ में पोस्ट, और बच्चों को देख रहे थे हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज गुड्डू भैया। तो एक एक करके बच्चों को काउंट करके बस में चढ़ा भी रहे थे और बैठा भी रहे थे, और सबसे आगे थे हमारे डायरेक्टर साहब SC रौतेला जी। तो इस मिशन को सफल बनाने में भीमेश्वर महादेव सेवा समिति, जिनके संस्थापक सुनीता पांडे और शरद पांडे जी थे, उनका भी ये मुख्य योगदान है, क्योंकि ये ज्वाइंट एडवेंचर मान लीजिए एक सस्ती पब्लिक स्कूल और भीमेश्वर महादेव सेवा समिति का। तो बच्चे चल दिए। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक खास अभियान मोदी जी ने भी शुरू किया। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है, और मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व के लोगों से, कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं। तो ये देखिए सीन, पहाड़ का बहुत ही अच्छा मौसम ने भी साथ दिया हमारा, और हमारे आगे आगे हमारे डायरेक्टर साथ थे और पीछे पीछे हम चल दिए। कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा किया जाए तो प्रकृति और ईश्वर दोनों साथ देते हैं, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। क्योंकि जहां जब तक हमारा मिशन चलता रहा, तब तक मौसम ने हमारा साथ दिया, बारिश नहीं हुई। उसके बाद बारिश हुई जब हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो पूरी टीम थी हमारी, और पीछे हमारे सोयाल मैम और भीमेश्वर महादेव सेवा समिति के लोग भी आ रहे थे। तो बच्चे इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को एक तो वृक्षारोपण का जो है उसका इंटरेस्ट था कि हमें पेड़ लगाने हैं, दूसरा एक तो उनकी ट्रैकिंग हो जा रही थी, और पिकनिक टाइप का माहौल भी बन गया था, क्योंकि ऊपर जा कर के इनको खाने के लिए भी ये समिति वालों ने कुछ रिफ्रेशमेंट जो है प्रोवाइड कराए थे। तो आगे आगे बच्चे चल रहे थे, साथ में उनके हाथ में था स्कूल का बैनर, सस्ती पब्लिक स्कूल निचोला भीमताल। तो बीच बीच में नॉलेज का सेशन भी चल रहा था, तो हमारे डायरेक्टर साहब बीच बीच में बच्चों को रोक करके बता रहे थे कि पौधे लगाने, पेड़ लगाने के बेनिफिट क्या क्या हैं हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और बता रहे थे कि जब भी आपका बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, किसी को गिफ्ट देना हो, तो अगर हम एक पेड़ गिफ्ट दें तो वो ज़्यादा है हमारे कुछ और गिफ्ट देने से। तो बच्चे बड़े उत्साह थे, सुन भी रहे थे और नॉलेज गेन कर रहे थे। तो साथ में जो है हमारा फोटो सेशन भी चल रहा था, वीडियो भी बन रही थी। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, एक तो ट्रैकिंग हो रही है, एक प्लांटेशन। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। तो वहां पहले से ही हमारे शरद पांडे जी झाड़ियां साफ कर रहे थे, ताकि बच्चों को जो है कांटे वगैरह ना लगे, और वो गाड़ी से पहले ही वहाँ आ चुके थे और प्लांट लेकर के आए थे। तो इनका भी अपना मिशन है, इनकी समिति का, कि कम से कम 50,000 के आसपास पौधे इनको लगाने हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, क्योंकि प्रकृति से प्यार यानी मानव जीवन से प्यार, और मानव जीवन जो आने वाला हमारी पीढ़ी है उससे प्यार, और उनके लिए शुद्ध वातावरण तैयार करना।
तो गाड़ी से इन्होंने पौधे वितरित करने शुरू कर दिए। तो हर बच्चे को एक एक दो दो पौधे दिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा और एक या दो किलोमीटर ऊपर जाना था। ऊपर एड़ी भगवान का मंदिर था, उसके आसपास जो जंगल का एरिया था वहाँ पे जो है हमें वृक्षारोपण करना था। तो बच्चों ने जो है अपने सारे पोस्टर्स गाड़ी में रखे और एक एक पेड़ वो लेते रहे। तो जो पौधे थे उसमें कुछ फलों के थे, कुछ घास के भी थे। तो इसमें आंवला का था, अखरोट था, बांस था, आम था, बांगर था, बांस था, कोयराल था, जामुन था, और बच्चे कुछ घर से नींबू वगैरह के पौधे भी लेके आए थे। तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फल भी चाहिए और हमें छायावदार पेड़ भी चाहिए, घास भी चाहिए, क्योंकि फल जो है हमारे जंगली जानवर जैसे बंदर वगैरह अगर रहते हैं तो उनके लिए भी लाभदायक होता है कि वो कहाँ जाएँ, तो फल से उनका भी संरक्षण होता है। तो मौसम देखिए, मस्त मौसम हो रहा था और बादल लगे थे और बारिश नहीं थी और धूप भी तेज नहीं थी, तो बिल्कुल पौधारोपण का जो मौसम होना चाहिए, अनुकूल मौसम, वैसा ही मौसम था। ये पूरा भीमताल का दृश्य देखिए। तो बच्चों ने एक एक प्लांट पकड़ा और लाइन बाय लाइन बच्चे आगे जाने लगे। और रास्ता आगे थोड़ा संकरा था, थोड़ा रिस्की था, तो इसलिए हमने पहले बच्चों को समझा दिया था कि एक साइड में चलना है और उधर कुछ टीचर्स खड़े हो गए थे जिससे बच्चे जो है उधर की तरफ ना जाएं। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि हमारे साथ कम से कम टीचर्स और सर को सबको मिला करके 10-15 लोग के आसपास लोग थे, और बच्चे भी समझदार थे और तरीके से चल रहे थे। किसी भी बच्चे ने कोई शैतानी नहीं करी, बड़े प्यार से मिशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह के जो टूर होते हैं हमारे एजुकेशनल टूर, ये जो है साल में एक दो बार जरूर कराना चाहिए। इससे क्या है, एक तो रिफ्रेशमेंट आता है बच्चों को और माइंड उनका जो है रिफ्रेश होता है और सीखने को नया नया मिलता है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए स्कूल के आसपास ही एक दो पौधे लगा के फोटो सेशन करके दिखा देते तो वो मज़ा नहीं आता। तो बच्चों को जो है एक जो रियल नेचुरल जो थ्रिल मिला उनको, वो पहाड़ी इलाके में देखिए जब जा रहे हैं तो एक ट्रैकिंग का जो है ट्रैकिंग वाला भी माहौल बन रहा था इसमें। और तो बच्चे एंजॉय करते हुए जा रहे थे और बच्चों ने जो है इसका लुत्फ पूरा उठाया। तो जंगल पूरा चीड़ का जंगल था, और इससे पहले बरसात से पहले जब एक बार पहाड़ों में आग लगी थी तो इस जंगल में पूरे में आग लगी थी। तो आप जगह जगह देख रहे होंगे जो चीड़ के पेड़ हैं उसमें काली काली सी छाई सी है। तो ये देखिए, तो हमारी टीम पूरी इकट्ठी हो चुकी थी। तो जो पौधे हम आज लगा रहे हैं तो 10-15 साल बाद अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट होगा इस जंगल का वो देखने लायक होगा। तो बच्चों ने बैनर लगाए, फोटो सेशन भी किया, ये भी जरूरी था, और इनको जगह जो है बता दी गई कि आपको प्लांट कहाँ कहाँ लगाने हैं, क्योंकि पहले भी कुछ प्लांट लगे थे और प्लांट का कुछ डिस्टेंस भी जो है इनको तय करके बताया था कि 5 मीटर के आसपास इतना जो है डिस्टेंस रखना। तो जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया हमारे डायरेक्टर साहब श्री SC रोतला जी ने, और भीमेश्वर महादेव समिति की अध्यक्ष सुनीता पांडे जी, और साथ में हमारी सुहैल मैम, इन्होंने मिलकर जो है खड्डा खोदा और एक पौधा लगा के जो कार्यक्रम का शुरुआत करी। फिर उसके बाद बच्चे अपने अपने ग्रुपिंग करके 2-3 बॉयज एक ग्रुप बनाया, गर्ल्स ने अलग बना करके पौधे लगाने लग गए, और भगत भैया ने और बोरा जी ने भी पौधे लगाए, और हमारे संजय सर ने तो रिकॉर्ड बनाया 3 पौधे लगाने का। और समिति के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करी और जगह जगह मशीन से पहले खड्डे खोद दिए और फिर बच्चे पौधे लगा दिए। चलो 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 चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही खट्टा खोदा है। गौरव मेहता जब पौधे सारे लग चुके थे तो बच्चों ने कुछ देर आराम किया क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके थे। और यहाँ पर समिति के लोगों द्वारा बच्चों के लिए आलू के गुटके की तैयारी चल रही थी। तो आलू उन्होंने उबाल करके छील चुके थे और अंदर मसाले वगैरह टमाटर वगैरह सब कट के रेडी था। तो तैयारी चल रही थी, तो तैयारी में जो है टाइम वेस्ट ना हो करके तो थोड़ा प्रोग्राम बच्चों के लिए थोड़ा कीर्तन वगैरह भगवान का नाम लिया गया। पर प्लांटेशन जो किया तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मैं सब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ या प्लांट लगाओ, उनकी सुरक्षा करो और जंगलों में आग ना लगाओ। आपका नाम क्या है? हर्षिनी। हर्षिनी, अच्छा हर्षिनी है ना। अब क्या करना है इन प्लांट का, क्या करोगे इन प्लांट के लिए? प्रोटेक्ट करेंगे और इनमें पानी डाल लेंगे इनको बड़ा होने तक, इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। अच्छा, पेड़ लगाने जरूरी है?
आज प्लांटेशन किया ना, तो आप लोग विटामिन सी का सुना और पूजा भी होती है ना, तो और इसका अपने सर को बताना चाहिए आज आप बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, आपकी वजह से आज ये काम हमारा सफल हो पाया। आप क्या आज मैं इस साल अच्छी जगह मिली जहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर घड़ी भगवान जी का, तो यहाँ पर जो भी उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, जामुन का, आंवले का, बांस के, तो ये यहाँ पर जितने लोग भी आएंगे तो उनको ये पेड़ कहीं ना कहीं इनकी मंदिर खुद उन्होंने प्लांट कैसे लगाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ये सब देखा। एक बार तो रिफ्रेशमेंट में बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक थी, पेडीज थे और आलू के गुटके भी थे, और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए भी चाय थी, लेकिन बच्चों ने चाय नहीं ली। तो ऐसे में जो है मौसम भी हल्का ठंडा हो गया था, तो चाय की भी जरूरत पड़ गई थी। रवि जी क्या कर रहे हैं? रवि जी यार तुम यार बढ़िया, रिफ्रेशमेंट बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। जी बताओ, रिफ्रेशमेंट है दोनों तरफ से, बहुत हेल्दी है। जो वीडियो में आपने मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम बच्चों ये फेंकना नहीं है यार, हाँ थोड़ा सा कूड़ा अपना अपना पकड़ के डस्टबिन देंगे, उसमें रखेंगे। वॉलंटियरली खड़े होना कि हाँ मैं बोलूंगा, चलो हमारी छोरिया के छोरों से कम है। सूखी धरती करे पुकार, पेड़ काटो कम और लगाओ हजार। तो इस टूर में जो हमारा नॉलेज थी, थ्रिल था, पिकनिक थी और नेचर के नजदीक और श्रद्धा थी, क्योंकि अरी देवता के मंदिर के सामने हमने प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही रोमांचक जो है टूर था, बच्चों को बहुत मजा आया। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने स्कूल में ऐसा ही टूर ले जाएं, ताकि बच्चे प्रकृति के नजदीक जाएं, प्रकृति से प्यार करें और पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। आज के ब्लॉग में इतना ही। तो इससे हमने ये सीखा कि एक संकल्प लिया कि हम हर वर्ष अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और अगर आपको ये मिशन, आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, कुछ भी बातें इससे आपको सीखने को मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।